नाज़रीन, इलम सीखो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 2.6 और क्वेश्चन नंबर है 4। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी। तो ये हमारे पास पार्ट्स हैं क्वेश्चन के 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम वन बाई वन इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 को, -2/1 iota। तो जब हमने इसको सॉल्व करना है तो 1+iota है डिवीजन में, यानी डिनोमिनेटर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे इसके उल्ट से। उल्ट क्या होगा, 1-iota। तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं 1-iota को तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा, इक्वल -2/1 iota मल्टीप्लाई बाय 1-iota डिवाइडेड बाय 1-iota। अब -2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, -2/1 iota, और ये दोनों आपस में इनका स्केयर हो जाएगा 1² - iota² ये एज इट इज रहेगा, -2/1 iota। और जब हम स्केयर लेंगे 1 का तो वो 1 ही आएगा, जबकि iota का स्केयर इक्वल होता है -1 के, ये माइनस जो पहले का लगा हुआ है इनटू ब्रैकेट में iota स्केयर इज इक्वल टू -1। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पहले प्लस का था 1, अब ये माइनस का हो गया, ये आप देख सकते हैं, और iota माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस, तो ये iota प्लस का हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1+1 ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास आंसर में रह जाएगा -1+iota। तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है। अब हम इसी तरह पार्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में बड़े में हमारे पास है 4-iota, तो हम 4+iota के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4+iota से, फिर +3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4+iota से, ये नेक्स्ट स्टेप में, और नीचे इनका स्केयर बन जाएगा 4² - iota², ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 2s are 8, 2iota एज इट इज आ गया, +3 4s are 12iota, +3iota मल्टीप्लाई बाय +1iota इज इक्वल टू 3iota². अब हम इनको भी सॉल्व कर लेंगे, 4² = 16, जबकि iota स्केयर इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसको रिसॉल्व कर सकते हैं, ये प्लस का 2iota है, ये भी प्लस का 12iota है, तो ये हमारे पास हो जाएगा +14iota, और ये जो +3iota है, iota स्केयर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हमने iota स्केयर के जगह पे लिख दिया -1, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया 8+2iota + 12iota + 3 - (-3) और नीचे सेम ही रहेगा 16+1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 8, 2+12, 14iota, और ये +(-3) हो जाएगा, 8 में से 3 लेस करेंगे तो हमारे पास 5 रह जाएगा, +14iota, और डिवीजन में हमारे पास आ गया 17 16+1 17 हो गया। तो अब हम इसको अलग-अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, 5/17+14iota/17, तो ये ही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 का। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3 को, पार्ट 3 भी ऐसे ही होगा क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे 3+iota (9 - 7iota)/3+iota, तो हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवीजन वाले फैक्टर के ऑपोजिट से, 3-iota से,
तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अयूटा माइनस 7 अयूटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अयूटा से, तो इनका स्केयर बन जाएगा 3 है, इधर भी यहाँ भी 3 है, तो ये 3 स्केयर प्लस माइनस माइनस अयूटा स्केयर, 9 3 27 माइनस 9 अयूटा माइनस 7 3 21 अयूटा माइनस माइनस प्लस 7 1 7 और 7 अयूटा स्केयर आ गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 अयूटा है और यहाँ 7 अयूटा है, 7 1 7 और अयूटा मल्टीप्लाई होगा अयूटा से तो स्केयर हो जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस ऑलरेडी जो लगा हुआ है, और अयूटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है माइनस 1 के, तो नेक्स्ट स्टेप में 7 अयूटा स्केयर है तो अयूटा स्केयर में हम माइनस 1 लिख देंगे, बाकी सभी वैसे ही रहेगा, 27 माइनस 9 माइनस 21 माइनस 9 अयूटा और माइनस 21 अयूटा ऐड होके माइनस के 30 अयूटा हो जाएगा, और प्लस 7 माइनस 1 तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास माइनस 7 आ जाएगा, और ये बटे में है जो डिवीजन में है माइनस 1 और माइनस, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में होगा 27 माइनस 30 अयूटा माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10, 27 में से हम 7 लेस करेंगे तो हमारे पास 20 रह जाएगा, 20 माइनस 30 अयूटा, अब हम इसमें से 10 को जो है वो ले सकते हैं कॉमन, 10 कॉमन लेंगे, 10 वन ज़ार 10 10 टू ज़ार 20 तो हमारे पास 2 आ गया ब्रैकेट में, माइनस 10 3 ज़ार 30 अयूटा 3 अयूटा यहाँ पे आ गया, अब ये 10 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा तो हमारे पास आंसर में रह जाएगा 2 माइनस 3 अयूटा। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं 2 माइनस 6 अयूटा ओवर 3 प्लस अयूटा माइनस 4 प्लस अयूटा ओवर 3 प्लस अयूटा, तो यहाँ पे सेम है डिवीजन में तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस अयूटा डिवीजन में कॉमन आ गया, पहली रकम को हम ऐसे ही लिख लेंगे 2 माइनस 6 अयूटा, अब ये माइनस है तो माइनस 4 अयूटा हो जाएगा, माइनस 4 माइनस अयूटा, इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 प्लस का है ये माइनस का 4 है, माइनस 2 ये माइनस का 6 अयूटा है और ये हमारे पास है माइनस अयूटा, तो ये माइनस के 7 अयूटा हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 7 अयूटा और ओवर 3 प्लस अयूटा, अब हमारे पास डिवाइड में है डिवीजन में है यानी कि डिनोमिनेटर है 3 प्लस अयूटा, तो हम 3 माइनस अयूटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ये हमने नेक्स्ट स्टेप में कर दिया, अब हम इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अयूटा माइनस 7 अयूटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अयूटा, ये नेक्स्ट स्टेप है, और डिवाइड में करेंगे तो इनका स्केयर हो जाएगा 3 स्केयर माइनस अयूटा स्केयर, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 आर 6 माइनस का होगा माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2 और यहाँ पे 2 अयूटा आ गया, क्योंकि अयूटा के साथ कुछ भी ना हो तो हम 1 कंसिडर करते हैं कोई भी वेरिएबल हो, 3 7 आर 21 और 7 के साथ माइनस है लिहाजा माइनस का 21 अयूटा होगा, और ये माइनस माइनस प्लस 7 अयूटा स्केयर हो जाएगा, और डिवीजन में 3 का हम स्केयर लेंगे तो वो 9 आ जाएगा, अयूटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे है हमारे पास ये माइनस 6 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 अयूटा माइनस 21 अयूटा तो माइनस के 19 रह जाएंगे, और अयूटा स्केयर इक्वल होता है माइनस 1 के, तो माइनस 1 प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा, माइनस 7 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस अयूटा डिवाइडेड बाय 10, और ये 10 कैसे हुआ है, माइनस का 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो प्लस हो गया, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, अब हमारे पास ये रकम है माइनस 13 माइनस 19 अयूटा डिवाइडेड बाय 10, अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे, माइनस 13 ओवर 10 माइनस 19 अयूटा ओवर 10, तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 का, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 5, तो ये है हमारे पास 1 प्लस अयूटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयूटा
होल स्क्वायर। अब हम डिवाइड में है हमारे पास 1 माइनस एयूटा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस एयूटा के साथ। 1 प्लस एयूटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एयूटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एयूटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयूटा होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस एयूटा ऊपर भी है और दोनों अमाउंट्स में 1 प्लस एयूटा है ऊपर, तो 1 प्लस एयूटा होल स्क्वायर आ गया और डिवाइड में 1 स्क्वायर माइनस एयूटा स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर भी है। अब हम क्या करेंगे कि इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ए है हमारे पास, ए की जगह है 1, तो ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर हम लेंगे तो वो 1 ही आएगा, प्लस 2 ए बी, ए बी है हमारे पास 1 और एयूटा 2 ए यानी कि 1 और एयूटा, प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बी है हमारे पास एयूटा प्लस एयूटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा डिवाइडेड माइनस एयूटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के, तो वो हमने पुट कर दिया होल स्क्वायर। अब फिर हम देखते हैं हमारे पास एयूटा स्क्वायर है तो एयूटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करते हैं 1 प्लस 2 एयूटा प्लस इंटू माइनस 1, ये हमने एयूटा की जगह पे पुट कर दिया और नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो हमारे पास 1 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 है ये प्लस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, हमारे पास रह गया 2 एयूटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे कट जाएंगे, तो हमारे पास रह गया एयूटा स्क्वायर, तो एयूटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 अब लास्ट पार्ट है तो हम लास्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। 1 ओवर 2 प्लस 3 एयूटा मल्टीप्लाई 1 माइनस एयूटा, पहले हम डिवीजन में जो है उसको हम मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एयूटा प्लस 3 एयूटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एयूटा, 1 ओवर 2 वन्स आर 2, 2 वन्स आर 2 और यहाँ पे एयूटा है तो माइनस 2 एयूटा हो जाएगा क्योंकि एयूटा के साथ माइनस का साइन है, प्लस 3 एयूटा माइनस 3 एयूटा स्क्वायर, तो एयूटा स्क्वायर की जगह पे हम माइनस 1 पुट करेंगे और नीचे हमारे पास माइनस 2 एयूटा है और प्लस 2 एयूटा है तो ये प्लस एयूटा रह जाएगा, 1 ओवर 2 प्लस एयूटा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 1 ओवर 5 प्लस एयूटा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, 5 प्लस एयूटा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 माइनस एयूटा के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 5 प्लस एयूटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एयूटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस एयूटा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 5 माइनस एयूटा ब्रैकेट क्लोज ओवर 5 स्क्वायर, ये भी 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एयूटा स्क्वायर, और एयूटा स्क्वायर हमारे पास होता है माइनस 1 के इक्वल, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस एयूटा को तो हमारे पास 5 माइनस एयूटा ही आएगा डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर लेंगे तो वो 25 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी जो लगा हुआ है और एयूटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, 5 माइनस एयूटा इज इक्वल टू 26 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 1 तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इलम सीखो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।